नमस्ते दोस्तों, सर्दियों का मौसम आ गया है। शरीर की कमजोरी और बीमारियों को दूर करने के लिए सभी लोग सर्दी में कुछ न कुछ खास डाइट जरूर लेते हैं। मेथी बहुत ही गुणकारी और स्वास्थ्यवर्धक होती है। घुटनों के दर्द में, कमर दर्द में और जोड़ों के दर्द में मेथी का सेवन करने से बहुत फायदा मिलता है। कई लोग मेथी के लड्डू बनाकर खाना चाहते हैं, लेकिन स्वाद में कड़वा लगने की वजह से इसे खाने से कतराते हैं। आज की रेसिपी से जो हम मेथी के लड्डू बनाएंगे वो बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे, बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे, उन्हें आसानी से खाया जा सकता है। तो शुरू करते हैं इसे बनाना। मेथी के लड्डू बनाने के लिए यह मैंने 200 ग्राम मेथी के दाने लिए हैं। अब इसे मिक्सर में पीस लेंगे और इस तरह से इसका बारीक पाउडर तैयार करेंगे। अब तेज गर्म दूध लेंगे, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और पाउडर में मिक्स करते जाएंगे। मेथी को दूध में भिगोने से इसका कड़वापन निकल जाता है और स्वाद भी बढ़ जाता है। इस तरह से मैंने लगभग 1.5 कप दूध डाल दिया है। अब इसे ढककर लगभग 3-4 घंटे के लिए साइड में रख देंगे। 4 घंटे हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं मेथी के पाउडर ने सारा दूध सोख लिया है और इसका दाना भी फूल गया है। अब इसे किसी चौड़े बर्तन में डालेंगे और हल्के हाथ से मसलते हुए इसे पूरी तरह से बिखेर लेंगे, जिससे इसमें कोई भी गुठली नहीं रहेगी और इसका एक एक दाना खिल जाएगा। अब एक भारी तले की कढ़ाई में 1/2 कप घी डालेंगे, इसमें मेथी डालेंगे, घी और मेथी को हिलाते हुए मिक्स करेंगे। आंच को लो से मीडियम रखेंगे और इसे लगातार हिलाते रहेंगे। अगर मेथी तले पर चिपकती है तो आंच थोड़ी कम ही रखें। इसे 10-12 मिनट तक सेकेंगे। आप देख सकते हैं मेथी का कलर चेंज हो गया है और इसमें से खुशबू भी आने लगी है। अब मेथी ने चिपकना बंद कर दिया है। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, नहीं तो मेथी का दाना कड़क हो जाएगा। मेथी थोड़ी सूखी सूखी होने लगी है और इसमें घी भी चमकने लगा है। अब हम गैस बंद कर देंगे। मेथी को एक चौड़े बर्तन में डाल देंगे, जिससे ये जल्दी ठंडी हो जाएगी। अब एक दूसरी कढ़ाई में 1/2 कप घी डालेंगे, इसमें 2 कप गेहूं का आटा डालेंगे। इसे मीडियम से लो फ्लेम पर सेकेंगे। अगर जरूरत लगे तो थोड़ा घी और मिला दें। अब इसे लगातार 5 मिनट तक चलाते रहेंगे। अब इसका थोड़ा कलर भी चेंज होने लगा है और खुशबू भी आने लगी है। अब आंच बिल्कुल कम कर देंगे और लगभग 10 मिनट तक इसे और सेकेंगे। अब इसमें गोल्डन कलर आ गया है, यानी कि ये बहुत अच्छी तरह से सिक चुका है। अब गैस बंद कर देंगे। अभी कढ़ाई बहुत तेज गर्म है, इसे 2 मिनट तक हिलाते रहेंगे। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक आटा और मेथी ठंडे होते हैं तब तक हम गोंद को तल लेंगे। यह मैंने 1/2 कप गोंद लिया है, जिसे फोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है, जिससे गोंद को तलने में आसानी रहेगी। अब एक कढ़ाई में 1/2 कप घी डालेंगे। घी गर्म होने के बाद आँच बिल्कुल कम कर देंगे। इसमें थोड़ा सा गोंद डालेंगे। इसे धीरे धीरे पलटते रहेंगे। गोंद फूलकर बड़ा हो जाएगा और पॉपकॉर्न की तरह इसके फूलिए बन जाएंगे। गोंद को तलते वक्त इस बात का पूरा ध्यान रखें कि गोंद अंदर से बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए। कच्चा गोंद दांतों से आसानी से नहीं चबाया जा सकता है और ये लड्डू का मजा भी बिगाड़ देता है। इसी तरीके से सारे गोंद को तल लेंगे। अगर घी कम लगे तो थोड़ा और डाल दें। यह हमने सारे गोंद को बहुत अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। अब मैं आपको एक फुलिया तोड़कर दिखाती हूँ। यह देखिए, इसका चूरा आसानी से हो रहा है। सारा गोंद इसी तरह से होना चाहिए। अब हम गोंद को चौड़े बर्तन में लेंगे। ये जो बड़े बड़े फूले हैं इनको हम थोड़ा तोड़ लेंगे। अब एक कटोरी लेकर गोंद को क्रश कर लेंगे, जिससे इसका चूरा हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे 1/2 कप बारीक चॉप किया हुआ अखरोट, 1/2 कप बारीक चॉप किया हुआ बादाम, 1/2 कप चॉप किए हुए काजू और 1/2 टीस्पून केसर। इसे भी हाथ से क्रश करके डाल देंगे। इन सबको मिक्स करेंगे।
यह 2 कप कसा हुआ नारियल है जिसे मैंने मिक्सर में क्रश करके और भी बारीक कर लिया है। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके साइड में रखेंगे। यह वही कढ़ाई है जिसमें हमने मेथी सेकी थी। इसमें 2 टेबलस्पून घी डालेंगे। इसमें डालेंगे 800 ग्राम गुड़। गुड़ को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है जिससे यह आसानी से मेल्ट हो जाएगा। अब इसे मीडियम से लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे। हमें गुड़ को सिर्फ मेल्ट करना है ना कि इसे पकाना है, इसलिए गुड़ मेल्ट होते ही गैस बंद कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो गया है, इसमें किसी तरह के लम्स नहीं हैं। अब गैस बंद कर देंगे। यह जो आटा हमने सेका था इसे भी गुड़ में डाल देंगे। सेकी हुई मेथी भी इसी में डाल देंगे। इन सबको मिक्स कर लेंगे। अब ये जो हमने नारियल, ड्राई फ्रूट्स और गोंद का मिक्सर तैयार किया था उसे भी डाल देंगे। अभी गुड़ गर्म है इसलिए हम इसे चम्मच से हिलाएंगे और मिक्स करेंगे। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून सौंठ का पाउडर लिया है, इसे भी डाल देंगे और मिक्स करेंगे। इस तरह से अगर और भी कोई औषधि आप इसमें डालना चाहते हैं तो उसका पाउडर करके इसमें डाल सकते हैं। अब इसे किसी चौड़े बर्तन में डालेंगे। जब यह ठंडा होकर हल्का गुनगुना रहेगा तब इसके लड्डू बनाएंगे। अभी यह मिक्सर हल्का गुनगुना है, अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। लड्डू की साइज आप अपनी पसंद के अनुसार छोटी या बड़ी रख लें। सर्दियों में रोज सुबह एक लड्डू खाएं। अगर लड्डू खाली पेट खाया जाए और बाद में कम से कम 3 घंटे तक कुछ भी ना खाया जाए तो यह अधिक फायदा करता है। और ये लीजिए फ्रेंड्स, मेथी के बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनकर तैयार हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।